जो जेट का प्रिपरेशन क्लास है वो हमारा टॉपिक रहेगा एनिमल डिजीज। उम्मीद है आपको जितने वीडियो मैंने शेयर किए हैं, जितने मैंने लाइव दिए हैं, उनको आपने देखा भी होगा, और जो भी आपके कमेंट्स आते हैं कृपया करके आप कमेंट्स भी दें कि आपको क्या और जानकारी चाहिए और क्या आपको दिक्कतें आ रही है तैयारी में। आपके सारे सॉल्यूशंस होंगे यहाँ SKT यूनिवर्सिटी में। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल डिजीज, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं एनिमल डिजीज के बारे में। तो लेट्स गो। आज हम बात करेंगे एनिमल डिजीज के बारे में। एनिमल डिजीज होता क्या है? जो जैसे इंसानों में भी रोग होते हैं, उसी तरह जानवरों में भी रोग लगते हैं। उसके बारे में वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जेट में। मैं उन्हीं टॉपिक पे, उन्हीं विषय पे बात करूँगा जो आपके जेट प्रिपरेशन के लिए लाभदायक हो, क्योंकि वैसे एग्रीकल्चर एक बहुत ही विस्तृत फील्ड है, बहुत ही डेवलप, बहुत ही विस्तार में फैला हुआ है। तो आपको जानने की जरूरत है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे और क्या पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एनिमल डिजीज। ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को हम लोग कभी कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो हमारा होता है ये इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आइए बात करते हैं इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिजीज पे। जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो हमारे होते हैं थ्री टाइप्स, फोर टाइप्स की सॉरी। जैसे पहला बैक्टीरियल, जिसमें हमारे ये जितने भी आपके बोल्ड मार्क किए हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं सबसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि एंथ्रेक्स रोग्स, ब्लैक क्वार्टर, हेलमोर हेलमोर रैगी स्पेक्टिमेलिया, जिसको हम लोग HS शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, TB, ब्रुसेलोसिस एंड द वायरल डिजीज इज रिंडरपेस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज FMD। ये FMD जो है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी आगे। फिर हमारा है पैरासाइटिक, जिसमें इक्टो और इंडो, ये दो टाइप्स के होते हैं पैरासाइटिक, इक्टो एंड इंडो। इक्टो में आ जाएंगे टिक, लाइस एंड माइट, और इंडो में आ जाएंगे टेप एंड ड्रॉन। ये एक तरह का डिजीज है, कीड़े होते हैं जो आपके पेटों में लगते हैं, एनिमल्स में लगते हैं। अब आइए फंगल। फंगल में हमारा आता है एफ्लाटॉक्सिस। तो बात करेंगे हम लोग बैक्टीरियल डिजीज की, क्या क्या बैक्टीरियल डिजीज में क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कहाँ से आते हैं। तो पहला है हमारा ये हमारा हो गया आपका क्लासिफिकेशन डिजीज का, और हम लोग बात करेंगे डिजीज जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला है हमारा फुट एंड माउथ डिजीज। मैंने आपको पहले बताया था कि इससे हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FMD बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जिससे वो मतलब जो रोग होते हैं जिससे, उसके बारे में जानते हैं। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का फैमिली है पिकोरिनेवीरिडी, और जीनस है एप्टो वायरस। मींस आपका जो एग्जाम क्वेश्चन पुटअप होगा वो ये जीनस होगा कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फूड एंड माउथ डिजीज का कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एप्टो वायरस। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। सिम्टम्स ये बेसिकली नॉलेज है, ऐसा कोई एग्जाम में पुटअप होता नहीं है क्वेश्चन, फिर भी आपका जानना जरूरी है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन रहता है कि FMD के पॉजिटिव वार्निंग क्या है, तो आप आंसर देंगे एप्टो वायरस। फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसका सिम्टम्स है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 to 5 days का होता है, और टेम्परेचर कितने हो जाते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस। जो कैटल हो या बफेलो हो, उनके टेम्परेचर हो जाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट रिंडरपेस्ट।
ये भी एक बहुत ही घातक डिजीज है, जो वायरल डिजीज है, जो कैटल और बफेलो में पाए जाते हैं। इसके कॉजेटिव वार्निंग में मॉर्बी लिव वायरस, ये जीनस जो है ये आपका क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और इसकी फैमिली है पैरानाक्सोविरिडी। सिम्टम्स से क्या क्या रहेंगे आपके, लॉस ऑफ एपिटाइट, अल्सर इन दी माउथ 7 to 9 days, अल्सर इन दी लिप्स एंड गम्स। ये अल्सर रोग जो है आपके जानवरों के मुंह में देखने को मिलता है, उनके जीभ पे मिलता है, उनके ओंठों में मिलता है, तो ये आपको क्या, रिंडर पेस्ट को शो करता है, ये एक वायरल डिजीज है। अब आइए एंथ्रेक्स रोग, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। एंथ्रेक्स रोग किन में पाए जाते हैं, आपके बहुत सारे ऑप्शन भी रहेंगे, हो सकता है कि कोई ऐसा ऑप्शन हो जो इसमें सूट न कर रहा हो, बाकी सारे इसमें एंथ्रेक्स रोग मैक्सिमम एनिमल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखे होंगे आप, डिजीज इफेक्ट कैटल, सीप, हॉर्स एंड पिग ऑल्सो। कैटल, हॉर्स, सीप और पिग को भी ये नुकसान पहुँचाते हैं, तो फेलो इन सबको पहुंचाते ही हैं, साथ में गोट इन सबको पहुंचाते हैं, तो मैक्सिमम एनिमल्स में एंथ्रेक्स रोग पाए जाते हैं। ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, इट इज बैक्टीरियल डिजीज, और इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जो भी बोल्ड किया हुआ है यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपको, इनको मेनली याद करने का जरूरत पड़ता है। एंथ्रेक्स रोग का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस। सिम्टम्स इसका पैराकोइट होता है, उसके बाद डेथ अकर होता है और सडन डेथ, ये बहुत जल्दी जो इफेक्ट करता है एनिमल्स पे, सडन डेथ हो सकता है। उसके सिनोनिम्स, ये कभी कभी एग्जाम में जो है मैक्सिमम पूछ देते हैं कि ये सिनोनिम्स इसका क्या है, एंथ्रेक्स के सिनोनिम्स क्या हैं। इसको हम लोग अगर एंथ्रेक्स आपके एग्जाम में ना दिए रहे, उसके जगह स्प्लेनिक फीवर भी दिया रहेगा, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये एंथ्रेक्स रोग के बारे में ही बोल रहा है। तो जब आपको मालूम होगा इसके सिनोनिम, तभी आप इसके आंसर दे पाएंगे। तो एंथ्रेक्स रोग का सिनोनिम हमारा वो है स्प्लेनिक फीवर। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक क्वार्टर, ये भी एक घातक रोग है, जैसे इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, और इट इज एक्यूट, और ये जो है बहुत एक्यूट मतलब तीव्र, ये जो है बहुत तीव्र गति से फैलता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज है क्लोस्ट्रिडियम चौवी, तो ये क्या है, हमारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है किसके, ब्लैक क्वार्टर के। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सडन हाई फीवर एंड स्टॉप द फीडिंग एंड रूमिनेटिंग। सडन हाई फीवर एंड स्टॉप द फीडिंग एंड रूमिनेटिंग, अचानक एनिमल में फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और अपना खाना छोड़ देते हैं और जुगाली करना छोड़ देते हैं। एनिमल डाइज विद इन 24 to 48 आवर्स, और जो एनिमल्स होती हैं उनकी मृत्यु हो सकती है कितने, 24 से 48 घंटे के अंदर। तो ये ब्लैक क्वार्टर जो है ये भी बहुत घातक रोग है, इसके बारे में जानना जरूरी था। अब आइए एचएस, एग्जाम में जो है आपका कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, एचएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जब आपको मालूम चलेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको याद रहेगा, तभी आप टिक लगा पाओगे। और ये एचएस जो है इसका फुल फॉर्म है हेमोरेजिक सेप्टिमेसिया। तो इसका जो, ये भी है एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये जो है किससे होता है, इट इज कॉज बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ फास्टोरेला मुल्टोसीडा। फास्टोरेला मुल्टोसीडा जो है ये इसके रोग के जनक हैं, और इसके सब स्पीसीज है मल्टोसीडा, और ये मेनली ग्राम निगेटिव, ये सब आपको बहुत ज़्यादा हाई आगे लेवल का चीज़ है, तो ग्राम निगेटिव आप नहीं समझ पाओगे, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव दो चीज़ होती हैं। तो मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा, ग्राम निगेटिव कोकोबेसिलस इन दी फैमिली फास्टोलेसी। तो बस आपको मेनली जो याद करना है वो है फैमिली और इसका कॉजल ऑर्गेन जो है फास्टोरेला मोल्टोसीडा। दिस डिजीज मेनली अकर्स इन कैटल एंड बफेलो, ये जो है सबसे ज्यादा घातक जो है वो बफेलो और कैटल में होता है एचएस। इट इज ऑल्सो फाउंड इन गोट इन सम एरियाज, गोट में भी ये देखे गए हैं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दिखा गया था कि गोट में भी ये पाए जाते हैं रोग कुछ एरियो में। अब आइए सम कॉमन डिजीज फाउंड इन एनिमल्स, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसके बारे में जानने जरूरी होते हैं जो आपके एनिमल्स में पाए जाते हैं।
हो सकता है आपका क्वेश्चन इसी से पुटअप कर दे, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका रहेगा, जैसे मैस्टिस है, मिल्क फीवर है, किटोसिस है, ब्लोट है, तो ये सब जो है कॉमन फीवर है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो इसे स्टार्टिंग में हमने बोला था आपको, इन्फेक्शियस एंड कॉन्टाजीनियस, इसी तरह नॉन इन्फेक्शियस और कॉन्टाजियस में ये सब आते हैं। एक मैस्टिस रोग है, ये भी बैक्टीरियल रोग है। मिल्क फीवर, जो दूध होते हैं दूध में आपका नीलापन लालपन आ जाएगा, जो उसमें से ब्लड आने लगते हैं उसके थन में से, उदर में से, तो ये सब आपके रोग कॉमन रोग हैं, इनके बारे में आप जानेंगे। हमारा जो एनिमल का पार्ट्स है, एनिमल डिजीज या एनिमल हस्बेंड्री, पोलिट्री, ये सब कोई विस्तृत पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। जो बेसिकली क्वेश्चन, सॉरी, जो बेसिकली क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होते हैं, हम उन्हें चर्चा करेंगे, उन्हीं पे बात करेंगे कि कैसे उसके उसके बारे में जानकारी ले, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले, और अपना आंसर हमारा सही हो जेट एग्जाम में। तो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारे पोलिट्री पे, और हम और भी कुछ बात करेंगे, जैसे अभी आपको हमने कैटल और अपने बफेलो के बताया था आपके डिजीज के बारे में, और हम बात करेंगे सीप, गोट, इन सब के बारे में आपको जानकारी देनी जरूरी है, और इससे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सीप, गोट, कैमल, पिग, पोल्ट्री डिजीज, ये सारे आपको बताए जाएंगे पार्ट बाय पार्ट, और आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू।